वीडियो में आपको बताऊंगी थ्रेड पाइपिंग कैसे बनाएं। थ्रेड पाइपिंग के लिए जो हमारा ये थ्रेड है, आप ये डोरी पाइपिंग का थ्रेड ले सकते हैं। ये किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ से आप धागे वगैरह लाते हैं उस दुकान पे ये धागा मिल जाएगा। और देखिए, मैंने एक कपड़ा लिया है और अभी आपको बताती हूँ किस तरह से हम थ्रेड पाइपिंग बनाएंगे, जो कि आप नेक में या प्रिंसेस कट जो ब्लाउज का पॉइंट होता है उसमें स्टिच कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगता है। तो स्टार्ट कर, तो देखिए जैसे कि मैंने ये फॉल लिया है और इस कम चौड़ा है, साइज़ बता देती हूँ। अगर आपके पास चौड़ा कपड़ा है तो उसमें से भी निकाल सकते हैं, अगर कम चौड़ा कपड़ा है उसमें से भी आप ये थ्रेड पाइपिंग निकाल सकते हैं। तो अभी हम मार्किंग करते हैं। देखिए कोई भी कपड़ा रहेगा, लेकिन आपको इस तरह से इसको क्रॉस में फोल्ड करना है। तो कोने में देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद ये कम कपड़े में से भी आप ये पाइपिंग निकाल सकते हैं। ये फोल्ड हो जाने के बाद अभी हम इसमें मार्किंग करते हैं। तो देखिए 1.5 इंच ले रहे हैं इसकी चौड़ाई, क्योंकि जब पाइपिंग बन जाएगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको आप कट कर सकते हैं। तो ये मैंने 1.5 इंच ये पीस ले लिया है चौड़ाई जो है, और इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेंगे। और सेम इसी तरह इसको कट कर लेंगे जो मार्किंग की है हमने। स्टिच कर देंगे और इसको पलट देंगे तो ये हमारी इस तरीके की पट्टी देखिए तैयार हो जाएगी। इसी तरह मैं सारी पट्टियाँ कट कर लेती हूँ और फिर जॉइंट करेंगे, और उसके बाद फिर थ्रेड पाइपिंग तैयार करेंगे। तो देखिए जो हमने ये पीस कट किए हैं, तो जैसे मैंने एक जॉइंट कर लिया, कैसे जॉइंट करें आपको बताती हूँ। तो देखिए जो क्रॉस में है ये पार्ट और इस पार्ट का क्रॉस, ये इस तरह से अपोजिट आने चाहिए। तो अभी यहाँ से लेके हम यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। देखिए सिलने के बाद आप जो ये दोनों पीस हैं इनको इस तरीके से खोल देंगे तो खिंचाव नहीं आएगा और बाहर की तरफ भी अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। इसी तरह सारी पट्टियाँ जॉइंट कर लेंगे। अभी हम बनाते हैं डोरी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे ये आगे पीछे इसको स्ट्रेट कर लेते हैं कट। अभी देखिए जो डोरी है, इस डोरी को हम यहाँ बीच में इस तरीके से पहले स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे। इससे क्या है, डोरी हमारी यहाँ पर सेट हो जाएगी और निकलेगी नहीं। जो धागा है यहाँ पे हमने इसको टाइट कर दिया है, इससे क्या होगा आप खींचेंगे तो ये निकलेगा नहीं। और अभी हमको किनारे पे इसके सिलाई लगानी है। ध्यान रखें डोरी पे सिलाई नहीं जाए, डोरी से नीचे जाए। एकदम सेफ है, धागे पे सिलाई नहीं आई है। तो देखिए इस तरीके की पाइपिंग बना सकते हैं, और इसको आप ब्लाउज या कुर्ती या स्लिम में किसी में भी अटैच कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंसेस कट में अटैच करना बता रही हूँ। देखिए ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है, जैसे कि मैंने एक साइड में ये स्टिच कर दिया है पाइपिंग, और कैसे करी है वो आपको बताती हूँ। तो देखिए जिस इसमें मैं खाली आपको ब्लाउज में ही बता रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे कप लगाने वाली हूँ तो दोनों पीसों को एक साथ स्टिच नहीं कर सकती, तो मैं इसी पार्ट में आपको बता रही हूँ। जैसे आप कप नहीं लगा रहे हैं तो आप अस्तर और ब्लाउज दोनों पीसों में ये पाइपिंग लगानी है। तो देखिए ब्लाउज़ को इस तरह से रख लेंगे, नीचे की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ, और ये पाइपिंग को हम यहाँ पर रख लेंगे। इसको खींचना भी नहीं है, लूज भी नहीं रखना है, नॉर्मल स्टिच करना है। और जो पाइपिंग है इसी के किनारे पे स्टिच करना है। तो देखिए ये स्टिच हमने डाल दिया है, अभी इसको खोल देते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी ये पाइपिंग लग के तैयार हो गई है। देखिए यहाँ पर हमने ये लेस भी स्टिच कर दी है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा इस तरीके का ये कट आ रहा है, यहाँ पर इस तरह की शेप आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये पाइपिंग से कितना अच्छा लुक आ रहा है, जो हमने कप लगाए थे देखिए कितने परफेक्ट लगे हैं और एकदम परफेक्ट फिटिंग आ रही है। तो आप इस आसान तरीके से पाइपिंग लगा के ब्लाउज़ को नया लुक दे सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।